आप सब लोग अच्छे हो गए, मजे में हो गए, क्यों है ना। मैं यार बहुत बोर फील कर रही हूँ यार दिन भर से, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ा बात ही कर लूँ, क्योंकि आई थिंक आप लोग भी बोर ही फील कर रहे हो गए है ना। क्योंकि यार 21 दिन तक मतलब लॉकडाउन है और मतलब दिन भी नहीं कट रहा। खैर वो लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल होगा जो लोग मतलब बाहर ज़्यादा रहते हैं और घर में कम रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को तो आदत ही नहीं है ना घर में रहने की 24 घंटे। बट क्या करें, ये टाइम ऐसा है ना कि घर में रहना ज़रूरी है। और आपको मालूम ऐसे टाइम में ना मुझे पता नहीं समोसा कचौड़ी खाने का मन कर रहा है, जबकि ना बाहर जा सकते हैं और ना बाहर से कुछ मंगवा सकते हैं। फिर मैंने सोचा चलो क्यों ना घर में बना लूँ, तो फिर मैंने सोचा यार राशन भी सोच समझ के ही मतलब यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं अभी 21 दिन का लॉकडाउन है, पता नहीं 21 दिन बढ़ के 30 दिन और हो जाए, तो मतलब तो सब सोच समझ के अभी काम करना पड़ेगा इस टाइम में, तो ऐसा है। और हाँ हमने ज़्यादा राशन मतलब 21 दिन तक का तो राशन ले लिया है, और वैसे भी यार ज़्यादा राशन ले लोगे तो कोई ज़रूरतमंद को अगर राशन की जरूरत पड़ेगी और बाकी कोई ज़रूरतमंद भूखा ना सो जाए यार, तो इसलिए हर चीज़ सोच समझ के करना पड़ेगा। इस ये टाइम ऐसा है, और मालूम एक एक दिन ना पहाड़ जैसा लग रहा है, कट ही नहीं रहा है। खैर हम लोग तो जो घर में रहता है उन्हें उतना कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होगा इन सब चीज़ों का, लेकिन जो रेगुलर जॉब पे जाते हैं, जो लोग ज़्यादा बाहर ही रहना होता है, वो लोग के लिए ना एक एक पल काटना बड़ा मुश्किल होगा। आई अंडरस्टैंड, मुझे मालूम है कि क्या गुजर रही होगी उन पे। बट यार वही है कि टाइम पास करो, कैसे भी अपने को बिजी रखो, यही कर सकते हैं हम। अभी तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं, अभी तो बहुत सारा दिन मतलब पार करना बाकी है यार। और यार अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही चाय पिया और बस यार टाइम पास ही कर रही हूँ मैं। बहुत बोर लग रहा था तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आप लोग के साथ बात ही कर लूँ, और आप लोग भी बोर हो रहे होगे तो आप लोग मेरे वीडियो देखोगे तो कम से कम बोर तो नहीं लगोगे, आपका भी अच्छा टाइम पास हो जाएगा। क्यों, सही बोला ना मैंने। जब से कोरोना वायरस चालू हुआ है ना, तब से हम लोग हर चीज़ में प्रिकॉशन लेना चालू कर दिए। जैसे कुछ भी सामान हम बाहर से मंगवा रहे हैं ना, तो उसे वॉश कर रहे हैं अच्छी तरीके से। जैसे मैंने आज सब्जी मंगवाई, तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से वॉश करके अच्छे से सुखा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं ना कितने लोगों ने इसे टच किया होगा, तो चांसेस है वायरस आने का, तो इसलिए हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं हर तरफ से। आप लोग भी लीजिएगा। अभी भी जब घर में कोई खांसता है ना तो हम लोग ऐसे ही मजाक में बोलते हैं अरे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। मतलब इस कदर कोरोना वायरस का मतलब डर हमारे अंदर घुस चुका है ना, ये क्या बोले। मतलब अब टीवी भी देखो तो दिन भर न्यूज़ चैनल में बस कोरोना कोरोना कोरोना, तो मतलब पूरे दिमाग में दिन भर कोरोना ही छाया हुआ है। मतलब इस कदर डर हो गया है कोरोना के चक्कर में, मतलब क्या बोले। बट क्या करें यार, कोरोना वायरस से दूर रहना है तो घर में तो रहना ही पड़ेगा है ना। खैर ये लॉकडाउन की वजह से एक चीज़ का फ़ायदा ज़रूर हो गया, उन औरतों की शिकायत ज़रूर ठीक हो गई, कि मतलब उनकी शिकायतें होती थी ना अपने पतियों से कि यार तुम मुझे टाइम ही नहीं देते, टाइम ही नहीं देते। लो अब इतना टाइम हो गया है कि टाइम कटा ही नहीं जा रहा है ना। तो खैर खैर छोड़िए, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये दोपहर में कशु और उनके पापा कितने मस्ती किए, ये देखिए। कशु गाना गाओ कोई सा। कौन सा गाना गाएगा? पापा ने अभी खाना नहीं खाया और वो उछटता है बहुत, पापा का पेट दुख जाएगा। जंपिंग नहीं भी, पापा का पिट्टू है ना, पिट्टू पे थोड़ी जंपिंग करे। नहीं 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 कैसे नहीं 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 बेबी नहीं। अच्छा पापा के पिट्टू पे जंपिंग?
कर जंपिंग कर। अब नहीं 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 बेबी नहीं नहीं करते ना, पापा है ना कैशु, पापा को तत्ता हो जाएगी, लग जाएगी। ओ हाउ आर यू? फाइन। एंड व्हाट इज योर नेम? कैशिश। एंड व्हाट इज योर फादर्स नेम? पंकज। एंड व्हाट इज योर मदर्स नेम? सपना। पिट्टू? पिट्टू में बैठेगा किसके? किसके? पापा के। तू कहाँ जाएगा पिट्टू को बैठ के? मनी मनी पापा मनी लेंगे। हाँ चलो। बैठ गया अच्छे से? बैठ गया कशु? बैठ गया अच्छे से? चले मनी मनी है। ओके चलो। कहाँ जाएगा कशु? गोनू जा रहा है, घूमू जा रहा है। कहाँ घूमू जा रहा है कशु? कहाँ जा रहा है घूमू? कहाँ पे घूमू जा रहा है बेबी? घूमू जा रहा है, पापा को परेशान कर रहा है। कशु पापा को परेशान कर रहा है। हो गया, चलो उतरो उतरो। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। मैं आपको फिर से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।